गाजर का रायता बनाने जा रहे हैं। गाजर के रायते में डलने वाली सामग्री, ये देखो हमने 250 ग्राम गाजर लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब इनको हम उबालेंगे। सामग्री पहले आपको बता देती हूँ मैं, यह है जीरा सिका हुआ, इसको हमने पीस लिया है। ये सा जीरा है सिका हुआ, ये साबुती रखेंगे हम। ये नॉर्मल नमक है, ये सिलबट्टे पे पीसी हुई मिर्च है लाल, आप चाहो तो बिना सिलबट्टे वाले भी पीसे आप पाउडर भी डाल सकते हो, मगर पीसी हुई मिर्च डालने से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने पीस ली है। ये इसमें ब्लैक सॉल्ट है, ये जीरा कच्चा पिसा हुआ, ये इसमें लिया मैंने छाछ 500 ग्राम। पानी हमारा उबाल पे आ चुका है, अब इसमें हम गाजरें डाल देंगे ताकि उबल जाए। जब तक ये गाजरें पक जाएगी पूरी तरीके से, जब तक हम इनको उबालेंगे, जब उबल जाएगी जब इनको फोड़ के देख लेंगे अपन, जब तक उबलने दो। आइए अब चेक करते हैं गाजरों को, गाजर हमारी पक के तैयार हो गई है। देखिए ये देखिए पक गई है गाजर अच्छी तरीके से। अब गैस को बंद कर देंगे अपन, इसको चलनी में से छान के इसका सारा पानी निकाल देंगे, फिर इसको नचोड़ के फिर हम आगे बताते हैं आपको। आप चाहो तो इसको प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हो। देखिए गाजरों गंद पानी निकाल दिया है मैंने गाजरों का सारा, अब इसको अपन निचोड़ लेंगे, इसको पानी सब निकाल देंगे, पानी है जो सब निचोड़ के बाहर निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से निकाल के इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ऐसे मैश कर लेंगे इनको अच्छी तरीके से। देखिए सब गाजरों को मैंने मैश कर दिया है, देखिए इस तरीके से। देखिए अब इसको अपन छाछ में डालेंगे, चाहो तो आप छाछ की जगह दही भी यूज कर सकते हो, मगर दही को चलनी में से छान के यूज करना। अब इसमें छाछ में डालेंगे अपन इनको, देखिएगा मिक्स कर देंगे इसको। इसमें सारे मसाले डाल देंगे एक एक करके, देखिए अब इसमें डालेंगे अपन जीरा साबुत पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ, कच्चा जीरा डाल रही हूँ पिसा हुआ, सादा नमक डाल दूँ टेस्ट के अनुसार, उसमें ब्लैक नमक डाल रही हूँ ये भी टेस्ट के अनुसार ही डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ मिर्ची, जिसको तीखा खाना चाहे वो ज़्यादा भी डाल सकता है। अब इनको सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए अब हमारा रायता बन के तैयार हो गया है। अगर आपको रायते की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और
अब हम नई रेसिपी लेके फिर आएंगे आपके सामने, फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।